application of definite integral. Application means use. Use of definite integral. Okay. इसे सपोज करो कि कोई कर्म दिया है y बराबर f x. कोई कर्म है, ये एक कर्म कैसा है, यही है y बराबर f x. तो सम ऑफ लिमिट से तो आप लोग खूब निकाले हैं, नो डाउट. पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी. ओके, अब हमको करना क्या है, यह पूरी एरिया निकालनी है. क्या करनी है, पूरी एरिया हमको क्या करनी है, निकालनी है इस कर्व और इस एक्स एक्सिस से बाउंडेड रीजन की एरिया निकालनी है. कर्व और एक्स एक्सिस से बाउंडेड रीजन की एरिया हमको निकालना है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे. सपोज करो एक स्ट्रिप बहुत पतली सी dx, मतलब x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो. अगर सपोज करो कि यहां से ये लेंथ जो है, ये इसकी लेंथ सपोज करो कि x है, क्या है ये, क्या हो जाएगा, y, क्योंकि वेरी स्मॉल है, इसलिए क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर. क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर. तो डल ए बराबर क्या हो जाएगा, बता दो हमको, लेंथ इनटू ब्रेथ, y इनटू dx होगा केवल इस स्थिति. अब पूरे रीजन की एरिया इंटीग्रेट कर देंगे ए से बी तक, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी डेल ए. ओके, बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से ए वाई डी एक्स. वाई बराबर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स. ओके, हाँ भाई, ए टू बी होगा, ए टू बी. नोट इट प्लीज, क्या हुआ, बीच वाले सेकंड लिमिट्स. अच्छा, इसमें भी कर दिए गड़बड़, क्या करूँ, ए टू बी है भाई. अगर दिख नहीं रहा है तो सुन लीजिए, ए टू बी, ठीक है. अच्छा, एक बात ये बताओ, यहाँ तो मान लीजिए कि हम लोग सीरम खां हो गए. ओके, कोई ग्राफ ऐसे है तो क्या कर लेंगे, तो इसका ग्राफ क्या होगा, यानी तू x बराबर f y, क्या होगा, ये क्या कर लोगे, इसके लिए क्या करोगे, बताओ, स्ट्रिप डालोगे कहाँ, y एक्सिस पर स्ट्रिप डालोगे. तो सपोज करो कि ये जो पॉइंट है ये a है, ये पॉइंट जो है क्या है, b. स्ट्रिप यहां डालेंगे तो ये स्ट्रिप क्या हो जाएगी, dy. अगर ये डिस्टेंस x है, बोलो, हाँ सही सही सही, ये डिस्टेंस y है, यह क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, यस सर. तब डल ए कितना होगा, वाई इंटू डी एक्स, बोलो यार, वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई. ओके, अब टोटल एरिया क्या हो जाएगी, ए बराबर ए टू बी डल ए बराबर ए टू बी डेल ए बराबर एक्स डी वाई बराबर ए टू बी एक्स बराबर एफ वाई. क्या हो जाएगा, एफ वाई डी वाई, एफ वाई डी वाई. ओके, कर लेंगे, ये बराबर क्या हो जाएगा,
ए टू बी एक्स की जगह क्या लिखते हैं एफ वाई, एफ वाई बी वाई, अब दिख रहा है yes, सही ठीक है, नोट इट प्लीज। चलो भाई अगर ऐसा ग्राफ मिल जाए आपको, ऐसा कर्व मिल जाए तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए पहले क्या करेंगे, ये तो x एक्सिस के नीचे है ना yes, तो क्या नीचे की एरिया निगेटिव होगी ना yes, और एरिया निगेटिव होती नहीं है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है yes, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं yes, तो वही काम करेंगे पहले, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है ए, ए पॉइंट क्या है बी, स्ट्रिप तो डालेंगे ही डालेंगे, बोलो भाई yes, डालेंगे yes, ये क्या होगा डी एक्स, अगर ये एक्स है तो क्या हो जाएगा वाई, माइनस वाई होगा, याद करिए क्या होगा माइनस वाई होगा, इसलिए क्या लिख देंगे ए बराबर इंटीग्रल ए टू बी मॉडुलस लगा देंगे क्या माइनस वाई डी एक्स, आई बात समझ में yes, बराबर क्या हो जाएगा ये, बराबर क्या हो जाएगा ये ए टू बी मॉडुलस माइनस एफ एक्स डी एक्स, तो जो निकल के आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और एक बात बता दूं, एक्चुअली ये जो तो सिंपल ग्राफ है ये सब कर चुके, इसमें हम लोग को पढ़ना है कोनिक सेक्शन, इसमें जो है आपको सर्किल पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है, इलिप्स पढ़ना है, हाइपरबोला पढ़ना है, ठीक है ना yes, तो इसमें उसके बारे में कुछ नहीं, एरिया निकालनी है हमको, क्या निकालनी है हमको एरिया निकालनी होगी सबका। और मैं बता दूं कि जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला इंटीग्रल का यूज होना है वो ये यूज होना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डी एक्स, ये फार्मूला यूज करना है। इस फार्मूला को आप लोग जानते हैं क्या होगा, हाँ एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, नोट कर लीजिएगा इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है कोनिक सेक्शन में, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, नोट कर लीजिए प्लीज इसको जल्दी से। देखिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, इसका सेंटर कहाँ है, इस सर्किल का सेंटर कहाँ है ओरिजिन पर, कहाँ है ओरिजिन पर, चलो भाई ओरिजिन पर, अगर ऐसा जो है हमको सर्किल मिल जाए ठीक है, ये तो निश्चित है कि इसका रेडियस ए है, इसका क्या हो जाएगा ए जीरो, बोलो भाई ये क्या हो जाएगा माइनस ए जीरो, ए जीरो माइनस ए, बोलो भाई प्लस ए, यहाँ क्या हो जाएगा जीरो माइनस, हो गया। इस चार पॉइंट इसके हैं, चारों सिमेट्रिकल हैं, चारों की एरिया क्या होगी बराबर होगी, क्या होगी, तो किसी एक पार्ट की एरिया हम निकाल लें, किसी एक पार्ट की उसमें फोर का मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एरिया टोटल इसका आ जाएगा कि नहीं आंसर yes, इसका आंसर भी जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर, यानी पाई ए स्क्वायर इसका तो ओरल आंसर है yes, भाई जब रेडियस पता है सर्किल का, रेडियस ए है तो एरिया कितनी होगी पाई ए स्क्वायर, लेकिन कैसे करेंगे सबका थोड़ी ऐसे निकाल लेंगे, एक स्ट्रिप डाल दे रहा हूँ भाई, बोलो भाई हैं बोलो ये क्या है, इसी फार्मूला का यूज जो हमने बताया कि ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के लिए, इसी के लिए मैंने एक सवाल लिया है कि देखिए इसका यूज कैसे होता है। चलिए अगर ये डिस्टेंस एक्स है ये कितनी हो जाएगी वाई, तो अब डायरेक्ट करो ए बराबर क्या हो जाएगा टोटल, तो चार पार्ट है ना yes, फोर का मल्टीप्लाई पहले कर दो yes, तब इसका निकालो क्या है जीरो से ए वाई yes,
dx, y, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, this implies that y is equal to under root a square minus x square, बोल यार, ये बराबर हो जाएगा 4 into 0 से a under root a square minus x square dx, ओके, any problem? चल फार्मूला लगा दो, ए बराबर 4 इंटू, चलो क्या हुआ, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, छोड़ो यार प्लस सी की वैल्यू कहाँ रखोगे, फिर प्लस सी माइनस सी कट नहीं जाएगा, बताया जूते ना, जब इससे जब अपर लिमिट रखोगे प्लस सी, जब लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस सी, तो कट जाना है, इसलिए सी को छोड़ो, सी को छोड़ो, जीरो टू ए, ठीक है ना भाई, सी रखना जरूरी है, लेकिन जब अपर लिमिट रखेंगे तो प्लस सी आएगा, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस सी आएगा, कट जाएगा, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल में सी वाला मैटर छोड़ दो, गलत नहीं होगा सवाल आपका। चलिए 4 इंटू पहले अपर लिमिट रखता हूं ए बाई टू अंडर रूट जीरो एक्स बराबर ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स वन हो जाएगा, चलो माइनस करता हूं, क्या माइनस, आप जीरो वाला लिमिट रखेंगे जीरो समथिंग वही ए स्क्वायर हो जाएगा ना, और फिर प्लस नहीं भाई कैसे जीरो करेंगे, ए स्क्वायर तो रहेगा ना, ए स्क्वायर अपॉन टू साइन जीरो है ना, चलो रखो 4 इंटू ये तो जीरो हो गया, इसका ए स्क्वायर अपॉन टू साइन साइन वर्स वन कितना 5 बाई टू माइनस ये जीरो और ये साइन जीरो पूरा जीरो हो जाएगा ये, ठीक है तो 4 इंटू ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 बराबर पाई ए स्क्वायर आंसर निकल गया, आंसर निकल गया ना, और इस फार्मूले का यूज भी हम लोगों ने कर लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लिया ना, नोट इट प्लीज, हरी अप। अब हमको पढ़ना है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व एंड ए लाइन, सपोज करो, क्यों आपको दिखा रहा हूं कुछ करूं मैं नहीं, ये मेरा सर्किल, मैं सिमेट्रिकल तो नहीं है फिलहाल, मान लेता हूं आप सिमेट्रिकल, थोड़ा थोड़ा 2-4% हो गया, कर्व तो ये हो गया, एंड ए लाइन मान लो दिया है एक्स बराबर टू, ठीक है, और चूंकि ये इसका सेंटर ओरिजिन पर है तो ये क्या होगा, ये जीरो, बोल यार, अब इसकी एरिया निकालनी है ना, बोल, अब क्या करेंगे, इसकी एरिया निकाल करके क्या करेंगे, डबल कर देंगे, जितना ये उतना, समझ गए कि नहीं, और लिमिट क्या हो जाएगी, टू टू ए, एक लाइन हो गया एक कर्व हो गया, ये सपोज करो पैराबोला है, क्या है, सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए एक्स, सपोज करो ये है, बस ला एक लाइन दे दिए, क्या दे दिए, ये दे दिया कि एक्स बराबर 3 दे दिया, क्या दे दिया, अब ये इसका एरिया निकालना है, बोलो भाई ओरिजिन से जा रहा है तो लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से 3 हो जाएगा, अब इसकी एरिया निकाल करके, अब इसकी एरिया निकालेंगे और क्या करेंगे, डबल कर देंगे, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, हाँ, अब इसे दे दिया ऐसे सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस है, ये वर्जिन से जा रहा है भाई, अब यहाँ पर कोई लाइन दे दिया
इसकी एरिया पूछ रहा है ना, मान लीजिए वाई बराबर 4 दे दिया, क्या इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 4 ना, किसी एक का निकाल लेंगे ना, बोलो भाई, और डबल कर देंगे, बोलो क्या हो जाएगा, एक्स डीवाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ, एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए इसे मान लीजिए आपको दे दिया क्या, अच्छा नोट कर लीजिए इतना, एक प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूं, एक नगमा है प्यारा सा, कैसा है जरा देखो क्या कह रहा है। एक कर्व है वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर ना, और एक लाइन है वाई इजकल टू 4, इससे जो बाउंडेड एरिया है उसी को हमको निकालना है। तो देखिए बहादुरी ये है कि आपको कर्व की जानकारी होनी चाहिए, कर्व कैसा है, कर्व देखो प्लस एक्स माइनस एक्स के लिए वाई का एक मान होगा ना, तो पैराबोला है ना। आप देखो प्यार से पहले एक पैराबोला बनाते हैं, प्लस एक्स लेंगे तब भी वाई पॉजिटिव, माइनस एक्स लेंगे तब भी वाई पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू ऊपर बढ़ेगी। व्हाट डज इट मीन, इट विल बी लाइक दिस, ओके यस, पैराबोला हो गया। और जो लाइन है वाई इजकल टू 4, यहाँ से वाई इजकल टू 4 ये लाइन है, बोल भाई हाँ ओके। तो किसी एक की एरिया अगर हम निकाल लें, किसी एक की एरिया, भाई देखो देखने मेरे ड्रॉ करने में, क्योंकि मेरे पास कोई ज्योमेट्रिकल सिस्टम नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक है, दिख तो नहीं रहा है, जैसा मैंने खींचा है वैसा सिमेट्रिक दिख तो नहीं रहा, लेकिन सिमेट्रिक होगा, ओके अच्छा। तो पहले ये एरिया निकाल लेता हूँ, क्या 0 से 4 उसी का क्या करता हूँ, डबल कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ 0 से 4 इंटू 2 पहले कर लिया, ये क्या है डी वाई है, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स डी वाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताया हूँ पहले से ही, अभी तो कर सकते हैं आप लोग, लेकिन कर लेता हूँ एक तो कर लेता हूँ, अभी इंट्रो में यही सब कर लोगे तब तो फिर बेकार हो जाएगा। चलो 2 0 से 4 एक्स की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट वाई डी वाई, ओके अच्छा। तो 2 इंटू अगर इसको करेंगे तो 1 पावर 2 1 प्लस 1.2 3/2 वाई पावर 3/2 3/2 2/3 ये हो जाएगा 0 से 4, ओके 4 की वैल्यू रखता हूँ 4/3 और 4/3/2 -0/3/2 ओके लोअर लिमिट रखा, इसको 2/2 लिख सकता हूँ, इधर लिखता हूँ, अभी कोई कहेगा दिख नहीं रहा है सर 4, ये हमारे बच्चों को दिखता है आप लोगों के लिए, भाई साहब आप लोगों के लिए कि आपको दिखे, हाथ जोड़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ते हैं मुझे पता, 4/3 तो ये क्या करेंगे 2/2 इंटू 3/2 हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 कितना होगा 8, 4/3 इंटू 32/3 यूनिक स्क्वायर, ओके दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया। और एक बात और थी बेटा, अगर हम चाहते तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते, ध्यान पाले तो ये क्या बन गया, ये 4 था तो ये भी 4, ये 4 स्क्वायर बन गया, इसकी एरिया कितनी हो जाती 16 स्क्वायर की, उसमें से ये एरिया माइनस कर लेते, ये वाली एरिया समझ गया कि नहीं, तब भी आ जाएगा। इसे आपकी बुक कभी ऐसा दिया हो, अरे सर तो आप तो ऐसे बताए, ऐसे भी कर सकते हैं तब भी आंसर इतना ही आएगा, समझ गया कि नहीं। अब कौन पचड़े में पड़े, जब पचड़े की नौबत आएगी तो पचड़ा डाला जाएगा, ठीक ना, ओके नोट इट प्लीज।